नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा न हो तो क्या होगा? भारत के धार्मिक भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचेगी अगर उस पर चाइना का कब्जा हो जाए तो? अब दोस्तों, ये बात बहुत दूर नहीं रह गई कि अब ऐसा होने जा रहा है। चलिए जानते हैं असल में बात क्या है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो लगातार झगड़े हो रहे हैं कैलाश रेंज के आसपास लद्दाख के एरिया में, उसका नतीजा ये निकला है कि भारत और चाइना के बीच में एक सहमति बनी है कि चाइना और भारत उस एरिया से अपने जो टैंक्स हैं और मिलिट्री है उसको वापस लेंगे, क्योंकि दोनों देश अब नहीं चाहते कि आपस में फिर से भिड़े। लेकिन उसके साथ साथ शर्त ये रखी गई है कि चाइना अपने ओरिजिनल प्लेस यानी कि पैंगोंग फिंगर 8 का जो एरिया है वहाँ वापस जाएगा, और भारत के फिंगर 4 का जो एरिया है उसके वहाँ पीछे रहेगा। यानी कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी, वो एरिया बिल्कुल शांत रहेगा। अब दोस्तों, बात ये आती है कि भारत ने पहले ही जब चाइना से झगड़ा हुआ था तब कैलाश रेंज की जो हाइट सबसे ऊंची ऊंची जगह थी, भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था ताकि चाइना को ज़्यादा प्रभाव न डाल बना सके भारत के आर्मी पे। इससे अब ये दिक्कत हो रही है कि चाइना की जो नया डील किया है भारत के साथ, उसमें ये रखा गया है शर्त कि भारत जो कि कैलाश रेंज का जो एरिया है उस पर अपना कंट्रोल हटाएगा और उस एरिया को बफर जोन घोषित करेगा, यानी कि उसमें भारत कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, न ही कोई नए चीज़ का निर्माण कर सकता है, न ही आर्मी रख सकता है। इससे ये होगा कि भारत उस जगह से अपना नियंत्रण बिल्कुल खो देगा, और चाइना की जो चाल है यही है कि भारत किसी भी तरह अपनी आर्मी उस एरिया से हटाए, ताकि जैसे कि 1962 में भारत का उसने बहुत बड़ा हिस्सा कैलाश रेंज का हथिया लिया था, वह दोबारा चाहता है कि वह फिर से हथिया ले जाए। तो इस वजह से जो अभी मिलिट्री लेवल की जो बातचीत हो रही थी, 8वीं बातचीत थी, उसमें यही डिसीजन लिया गया है। लेकिन भारत की जो मीडिया है इस बात को शायद कवर करना भूल गई, या उसने इस चीज़ की जड़ तक नहीं जाके देखा कि आखिर जो डील हो रही है उससे भारत को नुकसान क्या होगा। विदेशी मीडिया ने इसे खूब अच्छे से कवरेज किया है, क्योंकि दोस्तों कैलाश रेंज सिर्फ एक भारत का धार्मिक जगह ही नहीं है, वह एक डोमिनेटिंग हाइट है। यानी कि उस एरिया में अगर आप ऊँचाई पर हो तो आप किसी भी देश पे की आर्मी पर हमला बड़े आसानी से बोल सकते हैं, और बहुत भारी प्रभाव भी पड़ेगा। अब बात आती है कि 1962 के बाद जब भारत ने पहली बार ये गलती की थी, तब से कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल स्टॉप है, क्योंकि अब उस पर चाइना का नियंत्रण है। जब से चाइना ने तिब्बत को अपने में मिला लिया है, वह रास्ता बिल्कुल चाइना के कंट्रोल में चला गया है। वो सिर्फ भारत की एक गलती की वजह से, क्योंकि भारत की न ही पॉलिटिकल पार्टियों में इतना दम था कि वो चाइना से उस जगह को फिर से हथिया पाए, और न ही भारत की आर्मी उस समय इतनी सक्षम थी कि वो चाइना के दिमाग को और उसकी स्ट्रैटेजी को समझ सके और उससे सामने सामने जाके भिड़ सके। यही कारण था कि भारत ने 1962 में अपना पैंग वो कैलाश रेंज का बहुत बड़ा एरिया खो दिया था। अब दोस्तों, बात फिर वही आती है कि क्या भारत दोबारा से वही गलती फिर से दोहराने जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये बात भारत अगर दावा करता है तो उसकी एक वजह है कि कैलाश रेंज भारत का ही, पहले तो तिब्बत चाइना का था नहीं, और चाइना ने उस पर जब ज़बरदस्ती कब्जा किया तो फिर वो भारत के बॉर्डर से आके सट गया। यानी कि भारत पहले से ही उस जगह पे अपना नियंत्रण रखता था। अब दोस्तों, बात आती है कि 1959 क्लेम लाइन, उसके तहत भारत को चाइना के ऊपर बहुत बड़ी बढ़त हासिल होती थी कैलाश रेंज पर्वत पर। लेकिन 1962 का जब वार हुआ उसमें चाइना ने बहुत बड़ी जाल की, और भारत की आर्मी उस समय बहुत कमज़ोर थी, और साइकोलॉजिकल गेम तो चाइना अक्सर खेलता रहता, उसमें भारत फंस गया और भारत उससे बाहर नहीं निकल पाया। यही कारण है कि भारत को बहुत बड़ा हिस्सा कैलाश रेंज का गंवाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब दोबारा भारत की उससे 2020 में भिड़ंत हुई थी तो भारत को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि जो इंसान या जो आर्मी कैलाश रेंज पे कंट्रोल कर लेगा वह आधी जंग जीत जाएगा। इसी चलते भारत ने हाथ जल्दी बाजी में
कैलाश पर्वत के 60 से 70 किलोमीटर का एरिया जो कि चाइना के कब्जे में पहले था उस पर कंट्रोल कर लिया। अब चाइना चाहता है कि वही हिस्सा भारत दोबारा से छोड़ दे और उस पर बफर जोन घोषित कर दे ताकि वहाँ पर भारत की जो आर्मी है, टैंक्स हैं, होवेटजर टैंक्स वगैरह हैं, वो सब वहाँ से हटा ले ताकि चाइना को दोबारा से भारत में एंटर करने में आसानी हो। अब दोस्तों बात आती है कि भारत को क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ये जान जाइए कि भारत का कोई भी कंडीशन हो, जीते मरते वहाँ से, मुझे तो लगता है कि भारत को अपनी आर्मी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि चाइना एक ऐसा दीमक है जो जहाँ लग गया सो लग गया, फिर वो दोबारा वहाँ से कभी हटेगा नहीं और भारत शायद इन फ्यूचर भी उसको न हटा पाए। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना ने भारत का जितना हिस्सा लिया है आज से 70 सालों में, तो हम उसे वापस ले नहीं पाए। पाकिस्तान जैसा एक छोटा देश जो भारत का पीओके लेके बैठा है, भारत ने उसको भी नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि कोई भी देश वार नहीं चाहता। इससे में ये होता है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे कब्जा कर लिए, किसी की ज़मीन ले लिए, तो आपको दोबारा वापस लेने में कई सदियों लग जाएंगे, क्या पता आप ले भी ना पाएँ। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को अब इस पर जीते मरते वापस हटने का कोई सवाल ही नहीं है और जहाँ तक हो सके उन्हें डटे रहना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत का ये निर्णय कैसा रहेगा? क्या भारत सच में कैलाश मानसरोवर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो देगा या बचा के रख पाएगा? आप अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपकी क्या राय है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में वो भी मुझे बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं पर डे, तो आपको नॉलेज में वृद्धि ही होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।